अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अदील खान, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किचन हट की वीडियो में। और हमारा सफ़र है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद की जो है ना वो बॉम्बे बेकरी बहुत ही फेमस है, वहाँ का केक लेने की हम भरपूर ट्राई करेंगे, गो के उसका टाइम है मिलने का, तो उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा। 2:30 बजे तक तो होता है वो, लेकिन ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ ज़रा पॉडकास्ट है, वो रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ पर ज़रा लंच वंच करेंगे और देखेंगे कि हैदराबाद में क्या हो रहा है। तो फिर चले चले। और ये आ गया भाई दरियाए सिंध, गुजर रहा है, बहुत ही गुजर रहा है। हाँ, ये हैदराबाद शुरू हो चुका है भाई। हैदराबाद के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और बॉम्बे बेकरी बस पहुंचने की बात है। अच्छा भाई, बॉम्बे बेकरी हम पहुंच चुके हैं। और वैसे मैं जब पहले आया था तो यहाँ बाहर तक जो है ना वो क्यू लगी हुई थी, लेकिन अभी हमको मालूम हुआ है कि जब से कोरोना का कोविड का सीन हुआ है उसके बाद से इन्होंने क्यू का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। वरना पहले टाइम होता था 2 बजे 7 बजे केक मिला करता था, लेकिन अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, जैसा कि आप इन पुरानी पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो अब आप किसी भी वक्त जा सकते हैं और केक जो है वो ले सकते हैं। ये है बॉम्बे बेकरी और ये बैंगलो है, ये घर भी यहीं पे है और बेकरी भी यहीं पे है। और बहुत अरसे से ये बेकरी यहाँ पे है, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। और चेक करते हैं, 11 नवंबर 1911 को वजूद में आने वाली दी बॉम्बे बेकरी 109 बरस से हैदराबाद में अपनी उसी आबोताब के साथ कायम है। इस बेकरी की बुनियाद पहलाज राय गंगाराम ठडानी ने रखी और इसकी तरक्की इनके बेटों किशन चंद, श्यामदास, गोबी चंद और पोते कुमार ठडानी की मेहनत का फल है। भाई सीन ये है कि पहले जो है ना वो यहाँ पे टाइमिंग होती थी, लेकिन अब जो है वो टाइमिंग नहीं होती है। अब सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, रात 8 बजे तक बेकरी जो है वो खुली रहती है और केक्स जो है वो आते रहते हैं और मिलते रहते हैं। हमें चाहिए कॉफ़ी केक और उन्होंने कहा है कि कॉफ़ी केक मिलेगा 3 बजे, और 3 बजने में अभी 20 मिनट ही हैं, तो हम देखते हैं कि इंतज़ार करें या कोई और चॉकलेट केक ले लें। पहलाज राय साहब के ख़ानदान का ताल्लुक तो सिंध के शहर दादू से था, लेकिन वो बम्बई से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। बम्बई से इनकी मोहब्बत इस इमारत की तामीर में भी नज़र आती है और यही वजह है कि इन्होंने इस बेकरी का नाम भी दी बॉम्बे बेकरी रखा। 1948 में पहलाज राय इस दुनिया से चले गए, लेकिन इनके बाद भी इनके बेटों खास तौर पर किशन चंद ने इस कारोबार को जारी रखा और 1960 में किशन चंद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। किशन चंद के बाद इनके भाई गोपी चंद और साहबजादे कुमार ठडानी ने न सिर्फ इस बेकरी को जारी रखा बल्कि अंथक मेहनत और नए इरादों से इसको बढ़ावा दिया। एक सदी से बम्बई बेकरी एक ही ख़ानदान के इंतज़ाम में रही है और इसीलिए आज भी ये अपनी इनफरादियत कायम रखे हुए है। कुमार साहब 2010 में इंतकाल कर गए, लेकिन आज इनके बेटे सोनू इस बेकरी के रूह रवां हैं, यानी ये बेकरी आज भी इसी ख़ानदान के कंट्रोल में अपनी असली हैसियत में मौजूद है। ये वाला केक जो है वो हमने कटवा लिया है भाई, और इसको हम लेके जा रहे हैं इधर बाहर, मेरे अंदर जो है वो वाला फ्रेश है और यहाँ पे हम इसको करेंगे टेस्ट। ओके भाई, तो केक तो हमने ले लिए हैं और 3-3 केक लिए हैं हमने, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में आप केक ले सकते हैं, और एक केक जो है वो हमने
खोल लिया है और रुका नहीं जा रहा है ताकि इसको हम टेस्ट करें और आपको भी दिखाएं हाथ के हाथ। कॉफ़ी केक अंदर खोल लिया था हमने, लेकिन अभी इसके पीसेस बनवाए हमने तो दोबारा इन्होंने इसको पैक कर दिया है। ओके वाओ, ये जो हमारा केक है ना, इसके लिए कराची से आना इज़ वर्थ इट, क्योंकि इस इतना इंतहाई से ज़्यादा फ्रेश भैया भाई जल्दी खाएं, नहीं रुका जा रहा बहुत बहुत फ्रेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यम्मी भाई, इस केक की जो बात है ना वो अलग ही है। बहुत सारे इनके और भी फ्लेवर्स हैं लेकिन कॉफ़ी और चॉकलेट सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसमें भी जो ये कॉफ़ी केक है ना, अमेजिंग। और घर पे लोग लेकर आते हैं इसको, गिफ्ट की तरह लाते हैं, एक सौगात है ये हैदराबाद की। लेकिन इस वक्त मैं बॉम्बे बेकरी की प्रेमिसेस में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे इस केक को खाने का जो मज़ा है वो भी फ्रेश बिल्कुल वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को याद रह जाती हैं, यादगार रह जाती हैं। बहुत ही आला। बॉम्बे बेकरी का केक लेके हम पहुंच चुके हैं 161, और 161 क्या है, 161 मेरे और अदील के एक मुश्तरक दोस्त हैं तैमूर, उनकी डिजिटल एजेंसी है और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जिसके ऊपर वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी भी पॉडकास्ट वो रिकॉर्ड करेंगे। और इसी मकसद के लिए मैं हैदराबाद आया हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग भी बना लूं। तो अभी चलते हैं ज़रा तैमूर के पास और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और फिर जाते हैं लंच करने। ओके भाई, तो ज़रा हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद आ गए हैं ज़रा निज़ामुद्दीन की के पुलाव के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त इसका पुलाव है और बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई हैदराबाद जाएं तो निज़ामुद्दीन का पुलाव भी खाएं। बहुत ही लोकल टाइप की जगह है ये, लेकिन इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ में यहाँ पर होती है इनके पास गुलत्ती, जो कि एक स्वीट डिश है, ज़रदा टाइप का मीठा है। तो ज़रा पुलाव चेक करते हैं। गुलत्ती है, गुलत्ती जी, गुलत्ती हैदराबाद की मशहूर गुलत्ती, ये रही गुलत्ती हैदराबाद की मशहूर गुलत्ती। अच्छा अच्छा, ये जर्दा जर्दा टाइप की है। ओह ये है भाई गुलत्ती, ज़बरदस्त किस्म की। और ये है निज़ामुद्दीन का मशहूर पुलाव। कितने बजे तक होते हैं आप? हम सर 8 बजे तक होते हैं। 7 से 8 बजे जी ठीक है। ये आ गई भाई सुनाओ।
ओके भाई, तो टेस्ट करते हैं निजामुद्दीन का पुलाव। थोड़ा सा रायता इसके ऊपर डालेंगे यूं करके, और एक छोटी सी बोटी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने थोड़ा रायता इसके ऊपर ज़्यादा डाल लिया है। बगैर रायते के टेस्ट करता हूँ, और क्योंकि रायते का जो जायका है ना, वो थोड़ा सा ओवर पावर हो गया है। बगैर रायते के चेक करते हैं पुलाव। यखनी पुलाव है, यखनी की बड़ी ज़बरदस्त की खुशबू इसके अंदर आई है, साथ ही पहली बाइट लेते हुए ही। और जनरली एक पुलाव का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है, वो इस पुलाव के अंदर आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जगह पे, मुझे रिकमेंड किया था हमारा एक दोस्त है इमरान, वो हैदराबाद में ही होते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया। ऑर्डर जो है ना, वो इनके पास बहुत आ रहे हैं। ये जगह थोड़ी सी रेशम गली के पास है, तो थोड़ी सी कंजस्टेड है, यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह का मसला हो सकता है, लेकिन पार्सल मंगवा लें, ऑर्डर कर लें, तो भी जो है ना वो बहुत बड़ा सकते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप बैठ के ना भी खाएं, डाइनिंग ना भी कर सकें, तो आप घर पे मंगवा सकते हैं। और पुलाव का टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब है, ज़बरदस्त। ये आ गई भाई गुलत्ती, उसमें क्या क्या डालते हैं गुलत्ती में? सर ये खोया मावा है, और ये चीनी है, और चावल है। खोया होता है जी, खोया ही। तो ट्राई करते हैं भाई गुलत्ती। इलायची भी है इसके अंदर, ये इलायची भी नज़र आ रही है। खोया ही खोया है भाई इसके अंदर, थोड़ा सा गाजर के हलवे तो जैसा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि गाजर के हलवे में भी काफ़ी ज़्यादा खोया होता है, और इसके अंदर भी काफ़ी इन्होंने बताया है कि मावा है, खोया है, और ये छोटी छोटी मिठाइयाँ चमचमें पड़ी हुई हैं। मैं चमचम के साथ ट्राई करता हूँ इस पुलाव के बाद। इसको खाने का मज़ा भी जो है ना, वो अलग ही है, क्योंकि पुलाव और जर्दे का जोड़ होता है, तो ये जर्दा तो नहीं है, ये है गुलत्ती, जर्दे की समझो यार मॉडिफाइड फॉर्म है ये गुलत्ती। और ये गुलत्ती मैंने यही सुनी है हैदराबाद में, मैंने बताया कि भाई ये यहाँ की स्पेशलिटी है, और वाकई बहुत अच्छी है, बहुत आ रहा। ओके भाई, तो निज़ामुद्दीन के ज़बरदस्त पुलाव और गुलत्ती के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का अख्तितम हुआ। उम्मीद है आपको ये छोटा सा बॉम्बे बेकरी का टूर पसंद आया होगा, और अगर पॉडकास्ट देखनी हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी मुझको ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।